ACL सर्जरी करानी है पर हमारा वजन 100 किलो से भी ज्यादा है, तो क्या नुकसान हो सकते हैं ACL सर्जरी कराने के? बहुत सारे डॉक्टर्स आपको ACL सर्जरी करने के लिए मना कर देंगे। क्यों मना कर देंगे? क्योंकि जो नया लिगामेंट बनेगा आपका वो 6 महीने तक कमजोर रहने वाला है। 6 महीने तक अगर आप बेड पे रहोगे इस वजन के साथ जो कि 130 किलो है, तो आपको बहुत सारी बीमारियां डेवलप हो जाएगी। वजन भी 130 का 150 हो जाएगा। वजन रखोगे तो ये ढीले पड़ जाएंगे। सो बड़ा डायलेमा रहता है इसमें। तो सर्जन बहुत सारे कहते हैं नहीं, पहले वजन कम करो फिर ACL करो, क्योंकि आपके अंदर घुटना बैंड करने में भी तकलीफ आएगी, आप चल भी नहीं पाओगे। आप चलोगे तो ये ढीले पड़ जाएंगे, क्योंकि 6 महीने तक कमजोरी रहने वाले हैं। जिस दिन आपको झटका लगा उस दिन टूट जाएगा। सो हमारा जो ACL है ना, वो चीज 6 महीने तक कमजोर रहती है। उसको सर्जरी के बाद बचाव की जरूरत होती है, तो बाहर ब्रेस लग जाता है, वॉकर आता है, वो आपकी मांसपेशियां भी खत्म कर देती है। अब अगर हम इसके अंदर इंटरनल ब्रेस सर्जरी करें तो क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं? हमारा जो नया लिगामेंट है ना, वो जो कमजोर है उसको कई सारी चीजें बचाती है। पहली चीज बचाती है मसल्स, कि अगर हमारी मांसपेशियां अच्छी डेवलप होती है तो हमारे नए लिगामेंट को बचा के रखती है, वो झटके नहीं लगने देती, हमारे नी को होल्ड करके रखती है। स्क्रू सर्जरी में इतना रेस्ट होता है कि वो मांसपेशियां खत्म हो जाती है, तो वो प्रोटेक्शन चला जाता है। इंटरनल ब्रेस सर्जरी में हम आपको सर्जरी के बाद, क्योंकि हमने अंदर प्रोटेक्शन दे दिया, तो एक तो फाइबर टेप जो कि एंकर के साथ फिक्स करी गई है, गांठ नहीं बांधी हुई है, वो फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस आपके नए लिगामेंट को बचा के रखे। अब जब अंदर प्रोटेक्शन दे दिया तो मुझे बाहर प्रोटेक्शन देने की जरूरत नहीं है। मैं पहले दिन से चल सकता हूँ, पहले दिन से एक्सरसाइज चालू कर सकता हूँ, पहले दिन से नी बेंड कर सकता हूँ। जो मेरी मसल्स है जो मेरे ACL को बचाती है, वो भी शुरू से हम डेवलप करने लगते हैं, वो इतनी डिजेनरेट नहीं होती। पहला प्रोटेक्शन आ गया फाइबर टेप का, दूसरा प्रोटेक्शन इंटरनल ब्रेस सर्जरी में आ गया आपकी मसल्स का। क्यों? मसल्स हमने खत्म नहीं होने दी। तो ये दो बहुत बड़े प्रोटेक्शन है बेटा, जो आपको 6 महीने तक इस चीज को बचा के रखेंगे, अदरवाइज वो चीज फेल हो जाएगी। स्क्रू सर्जरी में ये दोनों ही प्रोटेक्शन देते हैं, इसमें ये दोनों प्रोटेक्शन है। तीसरा, इसमें हड्डी कम कटेगी क्योंकि हम फ्लिप कटर यूज करेंगे, तो आपको पेन नहीं होगा। पेन नहीं होगा तो आप इजीली एक्सरसाइज कर पाएंगे। चौथा पॉइंट रहता है बेनिफिशियल, के हमारा जो ACL लिगामेंट है ना, वो टेंडन से बनता है। उसको हैमस्ट्रिंग टेंडन से बना सकते हैं, पेरोनिस लॉन्गस से बना सकते हैं, क्वाड्रिसेप्स से बना सकते हैं, बहुत सारे टेंडन से बना सकते हैं। तो उसमें जब स्ट्रेस पड़ता है ना, तो वो लंबे हो जाते हैं। स्ट्रेस कब पड़ता है? जब आपका नी बैंड होता है। सर्जरी से पहले उसको खींच के रखा जाता है प्री स्ट्रेच करने के लिए, और फिर सर्जरी के बाद एक स्क्रू डाला, और उसके बाद पैर को बैंडिंग मना हो जाती है, क्योंकि स्क्रू डालने के बाद अगर आपने पैर बैंड किए तो वो पहले दिन से ही ढीले पड़ जाएंगे। स्क्रू सर्जरी के बाद आपकी जो बैंडिंग है वो एक बार मना हो जाती है, कुछ समय के लिए धीरे धीरे आती है। जब हम इंटरनल ब्रेस ऑल इनसाइड की बात करते हैं, तो इसके अंदर हम स्क्रू की जगह बटन्स लगाते हैं। अब बटन में छेद छोटा है, बटन बाहर लगा है, तो बटन कभी छेद तोड़ के तो अंदर जाएगा नहीं। एक बेनिफिट ये भी रहता है ऑल इनसाइड का, कि आप बटन लगाने के बाद, मतलब फाइनल फिक्सेशन करने के बाद, आप घुटना बैंड कर सकते हो, जो कि स्क्रू सर्जरी में फाइनल फिक्सेशन करने के बाद नहीं कर सकते। इसमें आप कर सकते हो, तो आप अपने लिगामेंट को पूरा स्ट्रेच कर दो, लिगामेंट ढीले पड़ जाते हैं। ढीले पड़ जाते हैं पर वो सर्जरी के दौरान ढीले पड़े हैं, सर्जरी के बाद ढीले नहीं पड़े। तो मैं उसको दोबारा टाइट कर लेता हूँ कि मेरे ऊपर और नीचे दोनों एडजस्टेबल लूप्स लगे। पूरा स्ट्रेच जितना ऑल इन साइड में हम लिगामेंट कर पाते हैं, वो फिजिकली किसी भी सर्जरी में पॉसिबल नहीं। दूसरा, उसको प्रोटेक्शन ही मिल गया। तो ये जब सारी चीजें रहेगी ना बेटा, तभी तू ठीक होगा भाई। तो इसीलिए अगर आपका वजन 100 किलो से ऊपर है ना, तो इस सर्जरी के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, बाकी सारे फेल हो जाएंगे। और इस सर्जरी के बाद आपको कुछ दिन वॉकर देंगे, क्योंकि वजन ज्यादा है आपका, आप 10 से 15 दिन बाद वॉकर छोड़ सकते हो, जब भी एज पर योर कम्फर्ट। जल्दी छोड़ो, जल्दी छोड़ो। एक्सरसाइज पहले दिन से चालू है, सो हम ट्राई करेंगे कि आप 1.5 महीने में जॉगिंग चालू कर दो धीरे धीरे, और 3 महीने में रनिंग चालू होती है, उसकी जगह 4 महीने में रनिंग चालू हो जाएगी, वजन ज्यादा है। हमारा वजन ही बहुत जल्दी जल्दी कम होने लगेगा। ऑर्थो स्पोर्ट्स इंजरी के साथ भी, इंजरी के बाद भी।